नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। नालासोपारा में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया छठ पूजा का पर्व। नालासोपारा वेस्ट ट्विंकल गार्डन के पास भक्तगण के लिए बीजेपी ने की कृत्रिम तालाब की व्यवस्था। उत्तर भारत के लोगों में छठ पूजा का एक अलग ही महत्व है। इस वर्ष छठ पूजा पर्व पर नालासोपारा वेस्ट में बीजेपी के स्थानिक नेताओं द्वारा कृत्रिम तालाब की व्यवस्था की गई। भक्तगण को सूर्यास्त और सूर्योदय के समय दूर दराज समंदर, नदी या तालाब में जाना पड़ता था, जहां भक्तजन को भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। इसी को देखते हुए नालासोपारा वेस्ट में ट्विंकल गार्डन के बगल में प्लॉट पर बीजेपी के जिलाध्यक्ष व पूर्व अध्यक्ष राजन नाइक के मार्गदर्शन में स्थानीय नेताओं में शंकर झा, विनीत तिवारी, सतीश सिंह, पंकज पांडे, घनश्याम सिंह, राहुल सिंह, दीपक और शर्मा जी, अन्य पदाधिकारियों ने मिलकर भक्तजनों के लिए अच्छी व्यवस्था की, जिसका लाभ सैकड़ों की संख्या में भक्तगण लेते दिखाई दिए। की गई व्यवस्था में कृत्रिम तालाब से लेकर लाइटिंग तक की व्यवस्था की गई। व्यवस्था को देखने राजन नाइक और मनोज बारोट भी कृत्रिम तालाब का निरीक्षण करने पहुंचे और कार्यकर्ताओं को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। देखिए इस पूरे कार्यक्रम की ये झलकियाँ। नमस्कार, यहाँ पे उपस्थित आए हुए सभी भक्तों का भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित ये जो महापर्व है छठी मैया का, उनका हार्दिक स्वागत है, नंदन है, वंदन है, अभिनंदन है। भारतीय जनता पार्टी भारतीय सेवा समिति की तरफ से इसका महापूजा का आयोजन किया गया है। इसके हमारे संस्थापक सदस्य श्री शंकर झा जी, दीपक दुबे जी, अमित तिवारी जी, राहुल मिश्रा जी, आज सभी ने अपना बहुत अहम बहुमूल्य योगदान दिया है, इसलिए कार्यक्रम सफल हुआ है। जय हिंद, जय महाराज। छठ पूजा के आज दिन क्या व्यवस्था की गई है? नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले तो ये बताता हूँ कि यहाँ पे जो छठ पूजा हो रहा है उसका ये चौथा साल है। कोविड 2020 से यहाँ पे कंटिन्यू हम लोग छठ पूजा अपने भारतीय जनता पार्टी के हमारे मार्गदर्शक नेता माननीय राजन नाइक जी, अप्पा जीतू नाइक जी, विनीत तिवारी जी, महेश शंकर झा और हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम है, उसके सभी लोगों के सहयोग से ये हम पूजा कर रहे हैं। आज भगवान भास्कर का डूबते हुए सूर्य की पूजा हो रही है। कल सुबह उगते हुए सूर्य की पूजा होगी। आपको मैं बता दूं कि ये पूजा महाभारत के दौरान से हो रहा है, जब कुंती ने ये पूजा वहाँ से शुरू किया था। भगवान सूर्य का भास्कर की पूजा, छठ पूजा महाभारत कालीन से हो रहा है। और उत्तर भारत का ये महापर्व जो देश के द्वारा विदेश में, मॉरिशस में, बहुत सारे देश है जहाँ पर ये महापर्व मनाया जाता है। और यहाँ पे हमारे जो नेता हैं माननीय राजन नाइक अप्पा जी, उनके देख रेख में, उनके मार्गदर्शन में बहुत बोलते हैं कि जितने बड़े लेवल पे यहाँ कर सकते हो करो, क्योंकि यहाँ पे आने वाले जो भक्त हैं वो कलम बीच, राजौरी जाते थे, जू जाते थे, उनको जाने आने में काफ़ी परेशानियाँ होती थी। उसको सुविधा में ध्यान में रखते हुए कि उनके घर के पास ही ये पूजा हो और उनको कोई तकलीफ नहीं हो, इस वजह से ये पूजा हम लोग चौथा साल ये यहाँ पे कर रहे हैं। उनका बहुत बड़ा सहयोग है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के टीम, युवा मोर्चा के अध्यक्ष विनीत तिवारी और हम शंकर झा, हमारे सब पूरी टीम है भारतीय जनता पार्टी के, ये सब के सहयोग से पूरा देख रेख में आप देख रहे हैं कि पूजा अच्छा तरह से यहाँ पे हो रहा है। आज भगवान भास्कर की डूबती हुई पूजा हो रही है, कल सुबह उगती हुई भगवान की पूजा होगी। विनीत जी, यहाँ पे जो कृत्रिम तालाब की जो व्यवस्था की गई है, टोटल कितने कृत्रिम तालाब बैठाए गए हैं? टोटल 4 कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं। लोगों को असुविधा न हो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्येक वर्ष गए 4 वर्षों से हम लोग अथक प्रयास करते हैं कि लोगों को जो यहाँ से कलम बीच जाने की असुविधा होती है, इसकी असुविधा दूर किया जाए, इसके हम लोग 4 वर्षों से कार्यक्रम करते आ रहे हैं। सुबह से लोगों ने अभी तक कितनी संख्या लोगों की आई हुई होगी? जिन लोगों ने गए, हर साल 300-400 संख्या होती, पर ये बार 700-800 संख्या है। सुबह की संख्या ज़्यादा रहेगी, सुबह संख्या ज़्यादा रहती है, अभी 700-800 संख्या है। तो सुबह के समय आपकी व्यवस्था किस तरह की होगी? सुबह भी हम लोग जो कृत्रिम तालाब की व्यवस्था करेंगे, अभी इसमें वापस पानी डाला जाएगा और सुबह चाय से ले पानी की व्यवस्था सब किया गया है, लोगों को, भक्तों को असुविधा ना हो इसके पूरा ध्यान दिया गया। ओके, इधर गूगल पे बार कोड को स्कैन कर गूगल पे के जरिए भी हमें आर्थिक तौर पर मजबूत कर सकते हैं। धन्यवाद। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।